हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लाभहानि। लाभहानि में कोई वस्तु को जो कम या ज्यादा में बेची जाए, उस तरह की परीक्षाओं प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को, ऐसे तथ्यों को कैसे हल करना है, ये सबसे बड़ी चतुराई है। कोई फॉर्मूला भी नहीं यूज करना है। पहली शर्त है सवाल भी हल करना है। दूसरा शर्त यह है कि हमें उसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। इस कंडीशन में, इस दशा में हमें उत्तर तक भी पहुंचना है। आइए हम लोग मिलकर उस तथ्यों को पढ़ते हैं, उन तथ्यों को जानते हैं कैसे होगा जब किसी वस्तु को कम या ज्यादा में बेची जाए। लेकिन उसके लिए मैं एक छोटी सी बारीक बात आपको समझाना चाहूंगा, ताकि उस बात को समझने के बाद आपके कभी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जो हैं वो गलत ना हो, कभी कॉन्सेप्ट आपके कभी ऐसा ना हो कि क्लियर ना हो। आइए उसको समझते हैं। जैसे कोई वस्तु जो होती है वो हमेशा 100% को हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही हम क्रय मूल्य कहते हैं, इसे ही हम CP कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जब कोई भी मूल्य अपने आप में 100% होती है, अगर इस वस्तु को कम में बेची जाए तो हानि या छूट या बट्टा होता है। माने अगर हम इसमें 100 में कम करते हैं, मतलब यहां पे हम ये देखें, अगर हम कम की तरफ जाते हैं तो क्या होगा? हानि, छूट होगा। अगर हम इधर की तरफ जाते हैं तो लाभ होगा। मतलब अगर 100 से ज्यादा करेंगे तो लाभ और 100 से कम करेंगे तो हानि। ये बात आपको समझना है, इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करते हुए चलूं। अगर आपको वास्तव में बेहतर स्कोर करना है, अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है, तो फार्मूला भी नहीं यूज करना है, इन तथ्यों को, इन टॉपिकों को समझते चलना होगा कि लाभ जो होता है वो 100 से ज्यादा होता है, हानि जो होता है वो 100 से कम होता है। और जो किसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100 होता है, वो हमेशा 100 होता है। आइए इस तरह टॉपिक से जुड़े हुए सवाल को हल करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं, ताकि आपको कभी भी यहां से दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, आइए अब हम लोग यहां पे सीखेंगे, यहां पे हम लोग जानेंगे कि जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100%। जब इसमें लाभ की स्थिति होती है वो हमेशा 100 से ज्यादा होगा। लाभ की स्थिति में ये सदैव 100 से ज्यादा होगा, और यह हानि की स्थिति में सदैव 100 से कम होगा। छूट भी, जो छूट होता है, देखिए मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, बिना फॉर्मूले के मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा, तो उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस बात को जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप परीक्षा में बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति 10% की हानि पर कोई सामान बेचता है तो 90% बेचता है, अगर कोई व्यक्ति 15% का लाभ लेकर बेचता है 115 पर बेचता है। मेरी बात क्या आप लोग को समझ में आ रही है जिस क्लास को लाइव देख रहे हैं? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि ये लाइव क्लास चल रही है और हम आप लाइव पढ़ रहे हैं। देखिए आइए हम इसके बात को समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और कुछ तथ्यों को भी अच्छी तरीके से भली भांति देखेंगे। चलिए देखिए हमारे साथ, पहले प्रश्न लिखिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए, पहले प्रश्न लिखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिए और लिखिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ की जगह 10% लाभ की जगह 10% लाभ की जगह जब 15% लाभ पर बेचता है, जब 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 30 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसे 30 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। एक दुकानदार जब एक वस्तु को 10% के लाभ की जगह 15% के लाभ पर बेचता है तब उसे 30 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? फटाक से अब जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके प्रश्न का जवाब दें। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई सूत्रकार प्रयोग नहीं करेंगे, केवल ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में बैठा है इसी दिमाग पर हम लोग लगाएंगे। आइए हम भी आपके साथ हल करते हैं और आप लोग इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, बताइएगा, तब जब आपको समझ में आ जाए। चलिए इसको हल करने का काम करते हैं। ध्यान से देखिएगा,
कह रहे हैं कि वस्तु को जब दुकानदार 115% पे बेचता है, मैंने क्या कहा 15% का लाभ माने 100 से ज्यादा, कितना ज्यादा 115, मैं यही बात समझा रहा था, हानि माने 100 से कम। ठीक, तो पहले दुकानदार उस वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा था, कितने पर 10% के लाभ पर बेच रहा था, तो वस्तु कितने में बिक रही थी ये पता नहीं, लेकिन जैसे ही वो उसे 15% के लाभ पर बेचा उसे कितना मिला अधिक 30 रुपए, माने जब वह 110 की जगह जब वो उसे 115% में बेचा तब उसे कितना अधिक मिला 30 रुपए अधिक मिला, कितना मिला 30 रुपए उसे अधिक प्राप्त हुए। क्लियर, मतलब हमने देखा कि इन दोनों में जैसे ही उसमें 5% बढ़ा दिया गया वैसे ही उसे 30 रुपया अधिक प्राप्त हो, जैसे ही 5% बढ़ा उसको रुपया में कितना हुआ 30% हुआ, माने 10% की जगह जब वो 15% लाभ अर्जित किया तो कितना उसे मिला 30 रुपया अधिक। तो हमने ये देखा कि 5% बराबर 30 रुपए, तो 1% बराबर 30/5। मैं शुरू से बताता रहा हूं कि यहाँ पे 100% पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, तो गुणे 100 कर देंगे इसका क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% 100% होगा, तो ये क्या होगा 5×6=30, 6 गुणे करेंगे तो 600। लेकिन अगर इसी प्रश्न में कह देता, प्रश्न को समझिएगा, अगर कह देता कि एक दुकानदार जब एक वस्तु को 10% लाभ की जगह 15% लाभ पर बेचता है तब उसे 30 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो जब वह 15% लाभ लेकर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि कह देता कि जब वो 15% का लाभ लेकर बेचता है तब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता, आइए देखते हैं। तब कुछ नहीं करते, तब हम क्या करते, 1% बराबर आपको पता था 30/5 होगा। अगर वो ये कहता कि जब 15% लाभ लेकर बेचता तब वस्तु कितने की होगी, तो भैया गुणे क्या कर देंगे 115, क्या कर देते हम लोग गुणे 115 कर देते, ठीक है, क्या कर देते, बिजली कट जाने की वजह से अचानक लाइट चली गई, इसकी वजह से बीच में क्लास आपकी रुक गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे उसके बाद हम आपको क्लास रिकॉर्ड करके उपलब्ध करा देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, बिजली नहीं साथ नहीं भी हम क्या करते, हम तो पढ़ाने के लिए तैयार थे।